हेलो ऑल ऑफ यू, आज जो हम लोग टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। बेसिस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तो ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे कई छोटे छोटे कंसेप्ट है जो कि हमको इस चैप्टर में कवर करना, जो कि एग्जामिनेशन में आते भी। सो एक एक करके हम लोग यहां से कंसेप्ट डिस्कस करना, रिवाइज कर हम लोग शुरू करेंगे, और उसमें जो जो एग्जामिनेशन में जनरली इंस्टीट्यूट पूछती है वो मैं आपको बताते जाऊंगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आरटीपी भी जो आपके अटेम्प्ट की उसको हम कवर करेंगे। तो पहला कंसेप्ट जो आपका, दैट इज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। व्हाट इज दिस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड? सो अब इस कंसेप्ट को समझना। इफ यू रिमेंबर योर सीए फाउंडेशन, सी फाउंडेशन अगर आपको याद है तो अपन बिल ड्रॉ करते थे, है ना, फिर ड्रॉइंग एक्सेप्ट करता था, अपने को देता था। अपने चार ऑप्शन होते थे, एक ऑप्शन होता था कि अपन उसको एंडोर्स करे, एक होता था रिटेन करे, एक होता था बिल्स फॉर कलेक्शन, और एक होता था अपन बैंक से क्या करते थे, डिस्काउंट करते थे। अब बैंक के नजरिए से सोचो, सो बैंक के पास ये बिल सपोज पूरे साल में जो लोगों ने डिस्काउंट करे, सपोज वो 100 करोड़ के, और हम लोगों को उसमें बैंक ने 80 हमको दिया, ठीक है, तो इट इज लायबिलिटी फॉर बैंक, इसलिए उसने क्रेडिट किया टू क्लाइंट अकाउंट। और डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट ऑन बिल उसके लिए नथिंग, इट इज नथिंग बट उसकी इनकम है। ओके, सो क्यों इनकम है? क्योंकि आपको जल्दी पैसा दे रहा है, इट इज बेसिकली इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको अगर आपने बिल था 100 रुपीज का, जो कि ड्रॉइंग से उसको 100 करोड़ का सपोज ड्रॉइंग से उसको 100 करोड़ रुपीज सपोज लेना रहेगा, लेकिन मैच्योरिटी डेट पे हमको तो पैसा वो 80 करोड़ पहले दे रहा है, तो 20 करोड़ उसकी वो इनकम है। अब क्या होता है कि ये जो मैच्योरिटी डेट जो उस बिल की, हो सकता है ईयर एंड के बाद हो, 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है, तो आपने तो एंट्री पास कर बैंक के पॉइंट ऑफ, पूरे चैप्टर में बैंक के पॉइंट ऑफ आपको सोचना है। तो बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट 100 करोड़ टू क्लाइंट अकाउंट 80 टू डिस्काउंट ऑन बिल दैट इज अकाउंट 20। तो ये तो आपने एंट्री यहां पे पास करे, लेकिन बैंक के नजरिए से अगर सोचो तो उसने तो अपनी इनकम ट्रीट कर लिया इसको डिस्काउंट ऑन बिल को, और उसने पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया, तो क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अब आप सोचो, ये जो से 20 करोड़ इनकम बुक किया, लेकिन वो जो बिल की मैच्योरिटी जो डेट है, सपोज साल के बाद, सपोज मैं एग्जांपल कहता हूं कि 30 अप्रैल को मैच्योरिटी डेट है। अब मेरे को पता है ये इनकम तो पूरी साल की नहीं, क्योंकि एक महीना आपका नेक्स्ट ईयर में आ रहा है, एक महीना कहा नेक्स्ट ईयर में आ रहा है, तो आपने इनकम तो 4 महीने की यहां पर बुक कर ली या अप्रैल तक ले ली, तो अपने को कैंसिल करना होगा। तो सपोज वो आपका, सपोज वो क्वेश्चन आपका अमाउंट देगा कैलकुलेशन के लिए, बोलेगा कुछ परसेंटेज देगा, लेकिन उस इनकम जो आपने एक्स्ट्रा इनकम हो गई, तो क्वेश्चन में आपको बताएंगे अभी कितना वो ईयर एंड के बाद कितना आगे चले गया। तो यहाँ पे जैसे 1 मंथ आगे चल गया, तो अपन सपोज कहते हैं कि 5 करोड़ की अमाउंट है जो 1 मंथ यहां का जो रिबेट है, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, टोटल इनकम मान लिया था, तो ही विल कैंसिल इट, उसकी यहां पर डिस्काउंट ऑन बिल को जो उसने क्रेडिट किया था, तो इंक्रीज इन इनकम यहाँ के, तो उसको अपने को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि उतनी इनकम इस साल की नहीं है, कुछ नेक्स्ट ईयर की, तो वो इनकम को कैंसिल करके डिक्रीज इन इनकम डेबिट। सो एंट्री विल बी डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट हाउ मच इट इज 5 करोड़। ओके, अब यहां पे उसने क्रेडिट करा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, तो यहां पे क्रेडिट 20 से किया था, यहां 5 से कैंसिल करा, तो इस साल की इनकम बुक होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अब रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट उसने एक अकाउंट क्रिएट करा, जो कि ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई, ये कब की, आपने एडवांस में बुक करे थे, अब क्या होगा इसको, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट जो आपकी नेक्स्ट ईयर की इनकम है, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में रिफ्लेक्ट होगा, वी कॉल इट क्लोजिंग रिबेट। और जैसे ही अगला साल जब आएगा, तो आप क्या करोगे, ये जो आपकी इनकम जो आपने यहां पे कैंसिल करते, तो ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो आप अपने इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री आप पास करोगे, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल। तो आपने 3 एंट्री पास करे, पहले बिल पूरे साल में जितने उतना, इनकम ज्यादा बुक कर देते, इनकम को कैंसिल करे, और फिर नेक्स्ट ईयर की इनकम थी, नेक्स्ट ईयर जब आया तो आपने इस इनकम को जो कैंसिल किया, तो वो इनकम को आपके नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट ईयर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो एंट्री पास करे, इसके आपने यहाँ पे रिवर्स एंट्री पास करे। तो कभी कभी इंस्टीट्यूट 4 मार्क्स के लिए आपको रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट भी पूछ लेता, तो ये 3 एंट्री वहां पे आएंगी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है हम लोग को जो यहां पे अब बात करना है, दैट इज एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कंसेप्ट क्या होता है, लेकिन नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रेयरली इंस्टीट्यूट एक हाथ बार कभी इसको पूछे, लेकिन पढ़ के सब चार। अब देखो कंसेप्ट क्या कहता है आपका, कि यहां पे सपोज ये मिस्टर ए ये दिल्ली में रहता है, मिस्टर बी वो कोची में रहता है, अब मिस्टर ए ने कोई गुड्स परचेज करा, क्यों ये कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर बैंक के लिए क्यों कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन ध्यान से आप पहले मेरी बात सुनेंगे। मिस्टर ए ये दिल्ली में रहता है, मिस्टर बी कहां रहता है, कोची में रहता है, तो मिस्टर ए ने क्या करा, सपोज गुड्स कोई खरीदना बी से, तो बी से इसको गुड्स खरीदना है, लेकिन मिस्टर ए को लगा नहीं नहीं यार मैं गुड्स तो खरीद लूंगा, लेकिन वो उसने बोला कि यहां पे बोला अगर मैंने गुड्स यहां पे खरीदा तो दो एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बोला कि यार मेरे को अगर इसने गुड्स यहां पर, मिस्टर बी कहता है ए को कि पहले तुम पैसे दे दो,
तो अगर मिस्टर ए सोचता अगर मैं इसको पहले पैसे दे दूं और उसने गुड्स अगर भेजा नहीं तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, तो फिर मिस्टर ए बोलता है काम करो पहले आप गुड्स भेज दो फिर मैं तुमको पैसे भेज दूं। मिस्टर बी को डर लगा रहता है मैंने इसको गुड्स भेज दिया और इसने मुझे पैसे नहीं दे, तो दोनों को कुछ ना कुछ डर। तो एक उसका तरीका निकाले कि बैंक के पास देता है, बैंक एक गारंटी देता है यहां पे मिस्टर बी को कि फिकर मत करो मिस्टर ए आपको पैसे दे देगा। वो गारंटी देने के अलग अलग फॉर्म है। अब कैसे गारंटी देने के अलग अलग फॉर्म है इसको समझो, क्यों इसको बैंक के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो भी मैं आपको बताता हूं। अब देखो पहला जो गारंटी देने के फॉर्म है दैट इज एक्सेप्टेड। व्हाट इज एक्सेप्टेंस, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट मिस्टर ए बाय बैंक। अभी क्या हुआ कि यहां पे बैंक ने क्या करा, बिल एक्सेप्ट करा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करा ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। तो बी ने ड्रॉ करा, बैंक ने एक्सेप्ट करा, तो बैंक के लिए हो गए बिल्स पेबल और बी के लिए हो गए बिल्स रिसीवेबल। तो इससे फर्क क्या हुआ, तो इसके लिए बिल्स पेबल, इसके लिए बिल्स, कैसे गारंटी दी, ऐसे इस तरीके से गारंटी दिया। अगर मिस्टर ए बी को नहीं देता है पैसे तो बैंक क्या करेगा, मिस्टर ए अगर बी को पैसा नहीं देता तो क्या करेगा यहां पे बैंक क्या करेगा यहां पे मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर बी ने यहां पे एक बिल ड्रॉ किया था बैंक के ऊपर तो मिस्टर बी के लिए बिल्स रिसीवेबल था तो बैंक से रिकवर कर लेगा। अगर मिस्टर ए ने यहां पे प्रॉपर दे दिया पैसा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो यहां पे जो बिल ड्रॉ करता उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। एंडोर्समेंट, अब एंडोर्समेंट का मतलब बिल यहां पे बी ने ही ड्रॉ करा मगर यहां पे बैंक ने ना एक्सेप्ट करते हुए ए ने एक्सेप्ट करा, तो ए के लिए बिल्स पेबल हो गया और फिर ए ने एंडोर्स कर दिया बैंक को। ए ने किसको एंडोर्स कर दिया, बैंक को। सो एंडोर्स कर दिया बैंक के पास वो आ गया। अभी क्या हुआ, बैंक को उसने एंडोर्स कर दिया लेकिन यहां पे बैंक के पास तो वो आ गया उसके वो बिल जो यहां पर बिल्स पेबल था वो क्या, मिस्टर ए के लिए जो बिल्स पेबल था और बैंक के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय क्लाइंट मिस्टर एंड एंडोर्स फर्दर बाय बैंक टू मिस्टर बी, सॉरी। तो बैंक ने क्या करा यहां पे, जस्ट वन मिनट, यहां पे क्या हुआ कि मिस्टर ए था पहले, ए और बी केस में हुआ तो बी ने सपोज मैं बैंक ने ए पे ड्रॉ किया बिल तो बैंक के लिए हो गया बिल्स रिसीवेबल और इसके लिए क्या हो गया बिल्स पेबल। और फिर क्या किया बैंक यहां पर, बैंक ने फिर इस बिल को एंडोर्स करा, बैंक ने इस बिल को क्या करा एंडोर्स करा बाय बैंक टू मिस्टर बी। तो बैंक ने एंडोर्स कर दिया बी को तो बी के पास चले गया बिल्स रिसीवेबल। अब मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा, ये बी ए से कलेक्ट करेगा और ए ने अगर नहीं दिया तो बैंक ने एंडोर्स किया ना, बैंक ने एंडोर्स किया ये बिल तो फिर वो बी किससे रिकवर करेगा, बैंक से। तो इनडायरेक्टली बैंक भी यहां पे गारंटी किसको दे रहा है, मिस्टर बी को। थर्ड अदर ऑब्लिगेशन जो कि नॉर्मल गारंटी बैंक दे रहा है कि भाई इसने लेटर ऑफ क्रेडिट एग्जांपल अगर इसने पैसे नहीं दिए इन्हें तो हम पैसे दे दिए, बट एग्जामिनेशन में कोई इतना एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट अदर ऑब्लिगेशन सब नहीं रहेगा। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में कभी अगर आ गया तो एक चीज ख्याल रखना, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी बैंक के लिए क्यों, बैंक के लिए इसलिए कंटिंजेंट लायबिलिटी, अगर ए ने नहीं दिया देन बैंक इज लायबल टू पे, है ना, ए ने नहीं दिया तो बैंक इज लायबल टू पे, दैट्स व्हाई इट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर बैंक, इसीलिए बैंक के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है। अब यहां पे एक चीज अच्छे समझ की, एग्जामिनेशन वगैरह क्वेश्चन आ गया तो बैंक यहां पे दो अकाउंट मेंटेन करता है, एक्सेप्टेड एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन लायबिलिटी एंड एक्सेप्टेड एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन एसेट, तो ये दो अकाउंट मेंटेन करता है। अब इसमें जब भी इसको यहां पर जब भी जो भी इसने लिया जिसकी गारंटी दिया वो लिखेंगे साल में जो गारंटी, फिर ये ओपनिंग थी साल में और गारंटी लिया उसको यहां पर लिखेंगे, और जब जब फिर चाहे बैंक खुद पे करे या मिस्टर ए पे करे वो एक एक करके कैंसिल करते आ जाएंगे, और यहां पर भी एक एक एसेट सेम अकाउंट खुलेंगे यहां पर भी इसको कैंसिल कर देगा। लेकिन जो रेडिंग से आपको यहां पे मार्क कर देगा वो अकाउंट है जो बैंक ने पे करा, किसने पे करा, बैंक ने पे करा। तो जो अगर बैंक ने पे किया तो बैंक को किससे रिकवर करना, ए से ऑब्वियसली रिकवर करना रहेगा, तो उसकी एंट्री से मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में वही एंट्री आएगी जो बैंक ए से रिकवर करेगा। तो क्लाइंट अकाउंट डेबिट इसको रिकवर करना, इंक्रीज इन एसेट अकाउंट डेबिट, सो क्लाइंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ओके। इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर बैंक, व्हाई इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर बैंक, अगर ए यहां पे अगर कैंसिल अगर फेल होता है पे कर देन ओनली बैंक इज लायबल टू पे, दैट्स व्हाई इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर बैंक। अब एक कंसेप्ट जो दूसरा आपका दैट इज बिल्स फॉर कलेक्शन, अब बिल्स फॉर कलेक्शन में इट इज नॉट ए कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर बैंक, के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है समझना, ढेरों लोग हजारों लोग यहां पे बैंक के पास बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए भेजते, बैंक इस बिल को आगे फॉरवर्ड करता ड्रॉई के पास और ड्रॉई से पैसे बैंक में आते, बैंक के पास जो आता है बैंक फॉरवर्ड कर देते ड्रॉअर को, बैंक एक मीडिएटर का रोल प्ले कर। अगर यहां पर मिस्टर बी बैंक को पैसा नहीं देता है तो बैंक भी मिस्टर ए को पैसा नहीं देगा, तो इसलिए ये बैंक के लिए कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी होती नहीं है। तो यहां पर भी बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट, बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी, से दो अकाउंट मेंटेन करते और जैसे जैसे वो बिल आते जाते उसको कैंसिल करते जाते, ओके। तो उस तरीके से आपको कैंसिल करना देगा। लेकिन एक और चीज, लोग जो बैंक से पैसा आता है वो बैंक में जो पैसा आता है बैंक को आगे वो फॉरवर्ड कर रहा था मिस्टर ए को, तो उसकी वो मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में भी एंट्री पास करता है, क्या एंट्री पास करता है, उसके पास पैसा आया तो वो एंट्री पास करता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, एंड ही इज लायबल टू पे टू मिस्टर ए, तो
टू क्लाइंट अकाउंट, दैट इज मिस्टर ए टू क्लाइंट अकाउंट, जो भी पैसा बैंक के पास है दैट बैंक इज लायबल टू मिस्टर, तो उसके बाद आएंगे और चले जाएगा, ठीक है। तो वो कैश अकाउंट डेबिट एंड ही इज लायबल टू पे, तो क्लाइंट जो भी उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज आप जो ख्याल रखेंगे, दो तरह के एसेट होते हैं, परफॉर्मिंग एसेट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एग्जामिनेशन में आप दे विल टेल यू के परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग, बस इतना याद रखना परफॉर्मिंग एसेट जो होती है वो अर्न बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, मगर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एनपी होती है उसके बारे में मैं आगे आपसे कहूंगा, वो आप कब रिकॉग्नाइज करते हैं, सिर्फ रिसीव बेसिस पे, जो उस पे जो भी इंटरेस्ट होता है एनपीए पे उसको रिसीव बेसिस पे ही हम रिकॉग्नाइज करते हैं, अदरवाइज उसको रिकॉग्नाइज करते नहीं है। इस पॉइंट को आप ख्याल रखेंगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये जो आपके प्रोविजन और एडवांसेस, अब इसको आप अच्छे समझ, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होती है आपको, दे विल गिव इन क्वेश्चन में आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट देंगे और 90 डेज हो गए नॉन, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पे ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट जो आपको चार्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, अब मेरे को जब यहां पे प्रोविजन बनता है, अब क्या होता है नॉर्मली जब हम प्रोविजन बनाते हैं नॉर्मल अदर देन बैंकिंग के, जस्ट वी क्रिएट प्रोविजन, सो 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल है, 4% व्हाट एवर दे गिव अस इन क्वेश्चन हम उतना बना लेते हैं। बट इन केस ऑफ बैंक जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो हमसे कहता है कि आपको कितने परसेंटेज प्रोविजन का क्रिएट करना है, वो अपने को क्वेश्चन में कहता है, उतने ही परसेंटेज हम लोग को प्रोविजन क्रिएट करना होता है। तो कितने परसेंटेज अब एक एक करके मैं डिस्कस करें, एक होती स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट का मतलब होता है वो परफॉर्मिंग एसेट है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम, डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क, नॉर्मल रिस्क से ज्यादा उसमें कुछ होता भी नहीं है, एंड नॉट ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए नहीं होती, और 90 डेज होगा तो एनपीए हो जाता है अगर आप ड्यू डेट तो नहीं दे रहा, तो अब समझेंगे यहां पे। तो नॉर्मल बेसिस पे इवन दो उसको इसको हम स्टैंडर्ड एसेट करते हैं, इवन दो स्टैंडर्ड एसेट है तो भी हम इसको स्टैंडर्ड एसेट, लेकिन इसमें हम कितने परसेंट प्रोविजन क्रिएट करते हैं, हम इस पे क्रिएट करते हैं प्रोविजन, हाउ मच प्रोविजन वी क्रिएट, जस्ट गिव मी वन मिनट, यस 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 ओके ठीक। तो इसमें 90 ये अपना इसपे नॉर्मल बेसिस पे इवन द स्टैंडर्ड एसेट हम इसको 0.4% प्रोविजन क्रिएट करते, लेकिन एडवांसेस टू एग्रीकल्चर सेक्टर में 0.25% इस पे प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन कमर्शियल रियल कमर्शियल सेक्टर थोड़ा सा रिस्की होता है, तो वहां पे 1% का प्रोविजन अपने को क्रिएट करना, डिपेंड इसको ख्याल रखना पड़ेगा आपको। अब सब स्टैंडर्ड एसेट का मतलब है कि एनपीए फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ, एनपीए हो गए नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो हो गई, लेकिन 12 महीने अभी गुजरे नहीं है 12 महीने होने के, तो सिक्योर्ड अगर एसेट है उसमें 15% और अगर अनसिक्योर्ड है तो नॉर्मली आपको 25% प्रोविजन बनाना है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन विद एस्क्रो अकाउंट व्हाट उसमें 20% बनाना है। व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर लोन विद एस्क्रो अकाउंट, इसका मतलब होता है आपको कि सपोज ये बैंक है, बैंक यहां पे लोन देगा, लेकिन सपोज कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है कोई बिल्डिंग है, तो बोले मैं लोन देता हूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक साथ नहीं देंगे, एस्क्रो अकाउंट एक ओपन करते और बैंक बोले कि एस्क्रो अकाउंट में मैं अमाउंट ट्रांसफर करते जाऊंगा, ट्रांसफर करते जितने परसेंटेज आपकी बिल्डिंग का काम होते जाएंगे, तो जैसे जैसे काम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मैं लोन देते जाऊं, दैट इज वो एस्क्रो अकाउंट के थ्रू पे करता है। तो अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड पोर्शन में नॉर्मली 25% करना है सब स्टैंडर्ड एसेट में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन विद एस्क्रो अकाउंट इन दैट केस वी विल क्रिएट ए प्रोविजन बाय 20%। ओके, अब डाउटफुल एसेट रही दो चीज, रिमेन नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ, तो अगर एनपीए के बाद 12 महीने होने के तो वो फिर आपका सब स्टैंडर्ड होते, लेकिन 12 महीने हो गए तो उसके बाद 12 महीने अगर हो गए तो उसके बाद हम उसको क्या कहते हैं एक्सीडिंग 12 मंथ हो गए तो व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट डाउटफुल एसेट, व्हाट वी कॉल इट डाउटफुल एसेट। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, व्हाट इज दिस लॉस डाउटफुल एसेट पे, डाउट एसेट में डाउटफुल एसेट में भी दो आता है, 12 महीने गुजर गए एनपीए बाद, तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड पोर्शन में तीन होते अप टू 1 ईयर 25%, फ्रॉम 1 to 3 ईयर 40%, मोर देन 3 ईयर इट इज 100%, लेकिन आपका ये अगर अनसिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड पोर्शन पे कितने क्रिएट करना 100% इन केस ऑफ डाउटफुल एसेट, और लॉस एसेट भी जिसको आइडेंटिफाई करता है आरबीआई या बैंक, ये इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर, वो कहते हैं कि नहीं इट इज अ लॉस एसेट, उसमें कोई उम्मीद नहीं है पैसा मिलेगा, इन दैट केस वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन बाय 100%। तो ये परसेंटेज वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट चेंज दिस परसेंटेज, ये एज इट इज ऐसा का ऐसा ही अपने को रखना रहेगा। ओके, इसको आपने ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब आपको जो नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको यहां पे ख्याल रखना है, दैट इज प्रोविजन ऑन एडवांसेस विद डीआईसीजीसी और ईसीजीसी, नॉट सो इंपॉर्टेंट, कभी कभी दो चार नंबर के इंस्टीट्यूट पूछ ले, बहुत सिंपल भी होता है। अब क्या होता है कि अपन बैंक में डिपॉजिट करते, बैंक लोगों को एडवांस देते, अब जो अपना पैसा बैंक में अपन डिपॉजिट करते उसका इंश्योरेंस निकालते, वन इज डीआईसीजीसी एंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ईसीजीसी। वो डीआईसीजीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, तो जो भी आपने एडवांसेस यहां पे दिए बेटा उसके ऊपर इंश्योरेंस निकालता। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज आपने ख्याल रखना, वो आपको क्वेश्चन में देगा कि जैसे टोटल डिपॉजिट एडवांसेस जो यहां पर एडवांसेस जो है ना यहां पर टोटल जो सपोज यहां पर 35, ठीक है 35 आपने यहां पर दिए। अब क्या हुआ यहां पे, वो कह रहा है कि आपने 35 जैसे यहां पे ओके
अब यहां पे क्या हो रहा है कि आपने आप प्रोविजंस कितने पे बनाओगे, प्रोविजन अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजंस टू बी मेड, तो आपने यहां पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड वाले पे अपने को प्रोविजन नहीं बनाना, सिक्योर्ड वाले पे कभी प्रोविजन बनाना होता है कि नहीं, सिक्योर्ड वाले पे कभी, जो अनसिक्योर्ड वाला पोर्शन है उसके ऊपर प्रोविजन बनता है, तो हमेशा ख्याल रखना। यहां पर भी आप देखो सिक्योर्ड वाले पे प्रोविजन नहीं बनाया, किसके ऊपर, आई मीन टू से प्रोविजन, तो आई मीन टू से EIC, DICGC, ECGC सिक्योर्ड वाले पे कभी कवर नहीं होगा, अगर क्वेश्चन में बोला तो ही, तो आप किसी कोई चीज का इंश्योरेंस किसका निकालोगे जो अनसिक्योर्ड, मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रोविजन तो बनेगा सब पे, लेकिन आई मीन टू से यहां पे कि इंश्योरेंस किसका निकालेंगे, तो जो आपका अनसिक्योर्ड उस पे इंश्योरेंस निकालेंगे ना, तो जबकि सिक्योर्ड वाला पोर्शन इस पे इंश्योरेंस निकालने की जरूरत आपको नहीं है, तो ये अनसिक्योर्ड वाला है आपका, तो अनसिक्योर्ड वाले पोर्शन पे आपको अनसिक्योर्ड उसके ऊपर इंश्योरेंस निकालता है, तो आपने यहाँ पे इनसिक्योर वाले इसके ऊपर इंश्योरेंस निकालता है, तो आपने इसको यहां से हटा देंगे, सपोज यहाँ पे 35 टोटल, तो 10 एडवांस सिक्योर था, 25 अनसिक्योर था, तो आपने इंश्योरेंस 10 का निकालेंगे या 25, नहीं अनसिक्योर्ड का इंश्योरेंस निकाले, सपोज क्वेश्चन में दिया होगा 40%, तो ये आपने 40 जो है 40 का 25 का 40% आपका 10 आता है, इसका आपने इंश्योरेंस निकाली, तो अगर आपने इंश्योरेंस निकाली 25 में से 10 का इंश्योरेंस निकालिए, तो क्या आप मेरे को बताओ उसको फिर 10 के ऊपर अपने को प्रोविजन बनाने के नहीं, तो जब आप प्रोविजन क्रिएट करते हो, तो प्रोविजन जब आप क्रिएट करो जिस चीज का इंश्योर्ड है उसका तो सवाल ही नहीं उठता ना प्रोविजन बनाने का, तो ये इंश्योर्ड है, ये 10 इंश्योर्ड है, 11 इंश्योर्ड है, तो इसका प्रोविजन नहीं बनेगा, तो आपका यहाँ पे 10 बचा है 25, उसका जो भी परसेंटेज आपको जो डिपेंड्स कौन सा स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड डाउटफुल है डिपेंड, ओके जो भी क्वेश्चन में उतने परसेंटेज आप इसके ऊपर क्या प्रोविजन क्रिएट कर लोगे, ओके तो इस चीज को नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट, लेकिन ख्याल रखना, तो यहाँ पे जो आपका जो DICGC का जो इंश्योर्ड है ऑब्वियसली उसके ऊपर प्रोविजन हमको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंश्योर्ड है ना, कुछ नहीं होता, वहां से रिकवर करेंगे, ओके सो अब आते हैं वहां आते नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ बाय, हेल्ड टू मैच्योरिटी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एंड अवेलेबल फॉर सेल, अगेन ये मैं बता देता हूं ध्यान में रखना आपने बस को, यहां पे कि जो हेल्ड टू मैच्योरिटी देखिए मैच्योरिटी तक की उसको रखने का इसका इंटेंशन होता है, तो यहां पे इसको वैल्यू एट कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, और ये अदर वो कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, लेकिन अगर परमानेंट नेचर का लॉन्ग टर्म, इट्स लाइक ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपका अदर देन टेम्पररी डिमिनिशन मतलब परमानेंट नेचर का अगर डिमिनिशन है तो ही अपन उसका प्रोविजन बनाते हैं, तो यहां पे जैसे कॉस्ट है 200, मार्केट वैल्यू 190, सो यहां पर अगर परमानेंट नेचर का अदर देन टेम्पररी है तो यहां पे इसको अपन 190 पे वैल्यू करेंगे, 10 का प्रोविजन बनाएंगे, मगर कॉस्ट पे वैल्यू कर जैसे 400 का 420 हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो बढ़ रहा है, यहाँ पे कॉस्ट पे वैल्यू नहीं परमानेंट नेचर का डिक्लाइन है तो ही प्रोविजन क्रिएट करें। सेकंड इज हेल्प फॉर ट्रेडिंग, तो अपना ये इंटेंशन यहाँ पे हेल्प फॉर ट्रेडिंग है मतलब इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए आप करते हो, ठीक है, दीज आर सिक्योरिटी एक्वायर्ड बाय बैंक विद द इंटेंशन टू ट्रेड बाय मेकिंग शॉर्ट टर्म एडवांस, जब अपने को लगा नहीं प्राइस ज्यादा आ रहा है अपन उसको चलो बेच के अपन बेनिफिट कर लो, तो इसके बारे में कहते हैं मार्क टू मार्केट, दैट इज रीवैल्यूएटेड मार्केट वैल्यू, लेकिन बड़े अजीब सी यहाँ पे एक बात आएगी कि रीवैल्यूएट आपको मार्केट प्राइस पे करने के लिए कह रहा है बेटा, लेकिन नेट एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इन ईच कैटेगरी विल बी शो इन पीएनएल अकाउंट करना है, लेकिन वो कहता है इट द इंडिविजुअल स्क्रिप्ट विल बी शोर एट बुक वैल्यू, मतलब इन्वेस्टमेंट विल बी शोर एट बुक वैल्यू, सो आपको इसको बुक वैल्यू पे शो करना है, लेकिन आप कहते हैं सर उसको रीवैल्यू करो मार्केट प्राइस पे, बुक वैल्यू पे भी शो करो, देखो आप कैसे करना, सपोज यहां पे मैं कहता हूं कि शेयर की कीमत 650 और मार्केट प्राइस 750, तो आप कितने से इंक्रीज हो रही है अप्रिसिएशन हो रही है 100 से, तो आप वैसे तो नॉर्मल अगर आप बोलेंगे एसेट की वैल्यू रीवैल्यू करो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसको बुक वैल्यू पे रखना इन्वेस्टमेंट, तो दे विल दे प्रोविजन फॉर प्रॉफिट ऑन यहाँ पे हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अब यहाँ पे 300 का डेप्रिशिएट होकर 250 हो रही मार्केट में, 250 से डेप्रिशिएट हो रही, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट को वो चेंज करने नहीं बोल रहा है, उसको बुक वैल्यू पे रहने दो, लेकिन मार्केट वैल्यू पे मार्क करना है तो विल गिव द पीएनएल अकाउंट, सेकंड इफेक्ट विल बी द प्रोविजन अकाउंट पे रहेगा, थर्ड इज अवेलेबल फॉर सेल, जो भी कैटेगरी 1 और 2 में नहीं आता दैट्स कम अंडर थर्ड कैटेगरी दैट इज अवेलेबल फॉर सेल, इसमें आपसे क्या कहता हूं सिक्योरिटीज विच डोंट फॉल इन द अबो टू कैटेगरीज आर क्लासिफाइड एज अवेलेबल फॉर सेल, तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में से विच एवर इज लोअर जो भी कम है उस पर अपने को वैल्यू करना रहेगा, नेट डेप्रिसिएशन अंडर ईच कैटेगरी विल बी फुल्ली प्रोवाइडेड फॉर, बुक वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी विल नॉट बी चेंज, अब देखो बुक वैल्यू चेंज कर रहे नहीं बोल रहे अपने को यहाँ पे वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पर बोल रहा है, लेकिन बुक वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तो इट मीन्स प्रोविजन क्रिएट कर रहा है, देखिए यहाँ कॉस्ट से 100 मार्केट प्राइस 80 तो इट विल वैल्यू एट 80, सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट 20, तो मगर डोंट गिव इफेक्ट इन आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इफेक्ट नहीं देना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इफेक्ट नहीं देना,
इफेक्ट किसमें देना, प्रोविजन अकाउंट में, क्योंकि बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की चेंज होना नहीं। यहाँ पे डिबेंचर है आपका 200 और ये आपका 240, अथवा यहाँ पे कॉस्ट है 200, मार्केट प्राइस 200, वो तो 200 पे वैल्यू होगा। ओके, अब उसके बाद एक कंसेप्ट है आपका कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो भी करंटली चल रहा है 4.5%, इसको बहुत शोर मचाते एग्जाम में क्या करना क्या करना क्या करना। करंटली इट इज 4.5%, एसएलआर रेशियो दैट इज 18% करंटली, बट यू डोंट हैव टू वरी एग्जामिनेशन में अगर वो पूछेंगे तो मुझे लगता है एग्जामिनेशन दे विल गिव यू परसेंटेज। अगर आपको नहीं देता यू कैन से लेटेस्ट रेट इज सो एंड सो, यू कैन से अज्यूम इन केस ऑफ सीआरआर यू कैन अज्यूम 4.5%, इन केस ऑफ एसएलआर यू कैन अज्यूम 18%। ओके, बट व्हाट इज दिस सीआरआर, व्हाट इज कैश रिजर्व? तो क्या होता है कि बैंक में अपन बहुत सारे डिपॉजिट्स करते, दैट मे बी फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, गोल्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। ओके, सो यहां पर जब आप डिपॉजिट करते, सम आर डिमांड डिपॉजिट एंड सम आर टाइम डिपॉजिट। तो जब आप इसको डिपॉजिट करते तो बाय लॉ ऐसा होता है कि बैंक पूरा का पूरा पैसा ये एडवांस में लोगों को नहीं दे सकता। इस जो भी डिपॉजिट इसके पास है करंट अकाउंट के फॉर्म में आरबीआई के पास अपने करंट अकाउंट मेंटेन करता है, और ये डिपॉजिट का 4.5% वो आरबीआई के पास जमा करता है। That is cash reserve ratio. तो कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो they will give you deposit, just you have to calculate the total and multiply by 4.5%. That is cash reserve ratio that the bank should maintain with RBI, Reserve Bank of India. Now second concept is SLR. What is this SLR? कि SLR के केस में और CRR में difference समझ। आप ये deposit जमा करते, लेकिन CRR के केस में आप cash RBI के पास जमा करते in current account। लेकिन SLR जो स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो उसमें क्या होता है कि आप कैश नहीं जमा कराते, आप लिक्विड एसेट दैट मे बी, मतलब लिक्विड एसेट दैट मे बी कैश, दैट मे बी कैश विद अदर बैंक आपके पास है, या मनी एट कॉल या गोल्ड, लिक्विड एसेट आप मेंटेन करते हो। लिक्विड एसेट ये ना आप आरबीआई के पास जमा करते हो, ये जरूरी नहीं कि आप SLR आपका आरबीआई के पास नहीं, ये आपके उसके बाद लिक्विड एसेट आपके पास रहना चाहिए। दैट लिक्विड एसेट इज 18%, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट मे बी कैश विद अदर बैंक, दैट मे बी मनी एट कॉल, दैट मे बी गोल्ड, एनी लिक्विड एसेट दैट शुड बी। नाउ करंट रेट SLR रेट इज 18%, बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ द CRR, इन द केस ऑफ CRR वी मेंटेन विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट। इन केस ऑफ CRR वी मेंटेन इन आरबीआई, वी हैव करंट अकाउंट इन आरबीआई, बैंक हैज अ करंट अकाउंट इन आरबीआई, एंड दे हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, दे हैव टू डिपॉजिट द अमाउंट इन देयर करंट अकाउंट, दैट वी मेंटेन विद आरबीआई। बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ SLR, इन केस ऑफ SLR दे हैव टू मेंटेन अ लिक्विड एसेट विद देमसेल्फ, द लिक्विड एसेट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट मे बी कैश विद अदर बैंक, इट मे बी अ मनी एट कॉल, इट मे बी गोल्ड, एनी लिक्विड एसेट, बट दैट इज SLR, दैट इज व्हाट हैपन अदरवाइज द बैंक क्या करेगा, पूरा का पूरा एडवांस ही दे देगा लोगों को, बाहर लो 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 लोन लो, हमारे पास बहुत पैसा। अरे खुद के पास भी रहना चाहिए, कभी कुछ हो गया तो फिर अर्जेंसी के लिए होना चाहिए, क्यों नॉट, वो ऐसा पूरा का पूरा पैसा बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकता। दैट इज स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब एक कंसेप्ट आपको जिसमें सीखना है, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये एनबीएफसी में भी होता है, लेकिन एनबीएफसी में इंस्टीट्यूट कभी नहीं पूछती, वो पूछेंगी तो आपको इंस्टीट्यूट पूछती तो बैंकिंग के हिसाब से पूछती है। अब इसका फॉर्मूला कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का होता है कि यहाँ पे टीयर वन और टीयर टू। ओके, तो टीयर वन और टीयर टू डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट इज टीयर वन एंड टीयर टू? टीयर वन में क्या क्या चीजें आती है? टीयर वन कैपिटल में इसका अकाउंट से कोई लेना देना, अभी इसका एक तरीका फॉर्मूला है, वो देखो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस स्टैट्यूटरी रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस कैपिटल रिजर्व अराइजिंग आउट ऑफ सरप्लस इन सेल ऑफ एसेट अदर फ्री रिजर्व। ये आपने सारे अराइजिंग आउट ऑफ सरप्लस इन सेल ऑफ एसेट मीन रिवैल्यूशन रिजर्व नहीं, आप वहां पे मत कंसीडर कर लो। ओके, दैट इज नॉट अ सेल ऑफ एसेट। ओके, सो यहाँ पे टोटल है, इसमें से आपको माइनस करना है इनटेंजिबल एसेट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, करंट आर ब्रॉड फॉरवर्ड को लॉसेज, ये आप माइनस करेंगे, आपका आ गया टीयर वन। टीयर टू में आपका था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल कैपिटल, उसमें ऐड करोगे रिवैल्यूशन रिजर्व। रिवैल्यूशन रिजर्व आपका टीयर वन में है, टीयर टू में आता है, और फिक्स 55% आपका जो भी रिवैल्यूशन रिजर्व, उसका 55% आपको माइनस करना है, आउटर कॉलम पे फिगर आएंगी, और कंटिजेंसी एंड लॉस रिजर्व अगर आपने कोई मेंटेन करे वो यहां पे आएंगे, और टोटल दैट इज टीयर टू। सो टीयर वन प्लस टीयर टू डिवाइडेड बाय रिस्क एडजस्टेड एसेट। व्हाट इज रिस्क एडजस्टेड एसेट, इसको ख्याल रखना, कैश बैलेंस विद आरबीआई, आरबीआई के पास आपका कोई कैश बैलेंस है तो उसमें कोई रिस्क नहीं, दैट इज 0%। ये मेरे मन से नहीं बोल रहे, परसेंटेज ये लॉ ने बताया, आपको याद करना पड़ेगा। ओके, सो कैश बैलेंस विद आरबीआई दैट इज 0%, देन बैलेंस विद बैंक्स और क्लेम्स ऑन बैंक दैट इज 20%। नाउ अदर इन्वेस्टमेंट इज 100%, तो जो भी आपकी वो एसेट है उसको जस्ट आपको यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस परसेंटेज। लोन्स एंड एडवांसेस अगर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट तो कोई रिस्क नहीं, 0%। अगर गारंटीड बाय DICGC और ECGC इन दैट केस इट इज 50%। बैंक स्टाफ एडवांसेस फुल्ली कवर्ड बाय सुपर एन्युएशन बेनिफिट 20% और अदर 100%, अदर इज 100%।
और उसके बाद प्रीमाइसिस फर्नीचर फिक्स्चर 100%, लीज एसेट 100%, ऑफ बैलेंस शीट आइटम गारंटीड एंड गारंटी एंड अदर ऑब्लिगेशन 100%, एक्सेप्टेड एंडोर्समेंट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट 100%। तो ये इतने परसेंटेज अपने को यहां पर ये दिया, इतना अपने को मेंटेन करना है, मतलब आई मीन टू से कि जो भी आपको एसेट दी उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने को पहले आपने टीयर वन कैलकुलेट करना, टीयर टू कैलकुलेट करोगे, और उसके बाद ये एसेट जो दी जैसे यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस परसेंट, दैट इज रिस्क एडजस्टेड एसेट, और यहां पे बस टीयर वन जो आया प्लस टीयर टू जो आया डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट मल्टीप्लाई बाय 100 आप इससे करोगे, जो भी आपका अमाउंट आएगा, जो भी आपका परसेंटेज आएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 100 जो भी आएगा, दैट इज कैपिटल एडिक्युसी रेशियो। इंडिया लाइफ इट हैज टू मेंटेन 9% मेंटेन करना होता है बैंक को, बट इट्स ओके, एग्जामिनेशन में कभी कभी तो जो क्वेश्चन देते हैं बिलो कैपिटल एडुक्यूसी रेशियो 9% से कम आता है, बट इट्स ओके, जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट दैट कि कैपिटल एडुक्यूसी रेशियो हमारा कितना आ रहा है। ओके, अब उसके बाद जो एक नेक्स्ट आपका जो है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है इसका एक फॉर्मेट होता है, तो आपने शेड्यूल थ्री जो रहता है वो हमारे लिए कंपनीज के लिए होता है लेकिन बैंकिंग से एप्लीकेबल नहीं होता। कोई स्पेसिफिक एक्ट अगर कोई बताता है कि वो किस तरीके का फॉर्मेट उस एंटिटी का होना चाहिए, उसको शेड्यूल थ्री एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे बैंक के लिए बताया तो बैंक के लिए आप यू कैन नॉट इवन चेंज दिस शेड्यूल नंबर, ये एज इट इज रहेगा। इन केस व्हेन वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनी वी एड नंबर ऑफ नोट्स टू अकाउंट, so whenever we see some adjustment just we have to prepare notes to account, but in that case we cannot add additional notes to account or we cannot change these numbers, it is fixed. So what is here in case you can see the interest, first is the income. So in P&L account it is form B, then we come to balance sheet as well. So income aapki jab interest earn kitna tha aapka, interest jo bhi earn hue so that is schedule number 13, other income aapka schedule number 14 mein aayega. अब इंटरेस्ट अर्न कब होता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, तो अगर कोई सीसी लिमिट, उसने किसी को सीसी लिमिट जिसने इंटरेस्ट अर्न किया, डिमांड ड्राफ्ट डीडी है, तो ये लोन दिया किसी को, ये बिल ऑन डिस्काउंट और बिल डिस्काउंट, ये सारे के सारे लिए उसके लिए इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट या अदर इनकम, बैंक की मेन इनकम इंटरेस्ट होती है, ये आगे उसकी। अब यहां पे उसके एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जब आपने पैसा जमा करा फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट, ओके सो करंट अकाउंट पे तो जनरली यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट नहीं था, बट इट्स ओके, कभी क्वेश्चन में दे दिया, तो यहाँ पे उसके लिए एक्सपेंसेस क्योंकि बैंक उस पर इंटरेस्ट देगा, यहाँ पे इंटरेस्ट के एक्सपेंस, उसके बाद ये अदर एक्सपेंसेस वो लिखेंगे और प्रोविजन कंटिन्जेंसी। तो ये इनकम हो गए, ये एक्सपेंस हो गए, इनकम माइनस एक्सपेंस, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर रहा तो वो भी ले लेना, फिर प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड आ गया आपका, उसमें से अगर स्टैट्यूटरी मैंडेटरी 25% आपको ट्रांसफर करना ही है और जो बचेगा दैट इज कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। तो ये हुआ आपका पीएनएल अकाउंट का, बड़ा सिंपल इंस्टीट्यूट पीएनएल अकाउंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट जो पहला पॉइंट से कहता है, इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इट इज ऑब्जर्व दैट ये जनरल इंस्टीट्यूट पीएनएल अकाउंट पे पूछती है एग्जामिनेशन में, तो आपने पीएनएल अकाउंट पे जरूर, जब आपको 1.5 डे मिल रहा है अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आप एडवांस अकाउंटिंग उसमें ख्याल से सिर्फ आपने इसको स्पेशली आपने बहुत अच्छे से करना कि पीएनएल अकाउंट के क्वेश्चन। ओके, आरटीपीपी पीएनएल का दिया मैं उस पर आता हूं, लेकिन बैलेंस शीट पे इंस्टीट्यूट मैंने ऑब्जर्व की कि मैंने देखा नहीं कि कभी इंस्टीट्यूट ने बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन पूछी, मतलब इन केस ऑफ बैंकिंग बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन जनरली इंस्टीट्यूट पूछती नहीं है, लेकिन आपने ख्याल रखना शेड्यूल नंबर्स, ख्याल रखना कि उसमें यहाँ पे कैपिटल शेड्यूल नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2, डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3, बोरोइंग शेड्यूल नंबर 4, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन शेड्यूल नंबर 5, अब उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस विद आरबीआई शेड्यूल नंबर 6, देन बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7, इन्वेस्टमेंट 8, एडवांसेस 9, फिक्स एसेट 10, अदर एसेट 11 और कंटिन्जेंट लायबिलिटी। ये शेड्यूल नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट, देख के चले जाना भाई, बस लेकिन जनरली नहीं पूछती, वो पूछती पीएनएल अकाउंट पे, ठीक है। इतना ही सारे डिस्कशन, ये पॉइंट्स है आपके किसमें बैंकिंग में, सारे पॉइंट्स मैंने कवर करा प्रोविजन एंड ऑल। अब एग्जाम ये आरटीपी में जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिया उसको अपन यहाँ पे देखते हैं, देखो सेम क्वेश्चन सब रेगुलर बैच के, चलिए ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ राजा बैंक लिमिटेड, ठीक है, राजा ओके, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ राजा बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023, आर एस अंडर टोटल इंटरेस्ट अर्न एंड रिसीव ऑन टर्म लोन, यू नो दैट कि एनपीएमए से अपन रिसीव बेसिस पे करते, तो ये बैंक ने इंटरेस्ट अर्न करे टर्म लोन पे रुपीज इन 1000 है 12750, ये अर्न करे तो अर्न नहीं करते, अगर ये इसमें मैंने कुछ और बोला कि देखो यहां पे इंटरेस्ट अर्न ऑन टर्म लोन एनपीए, तो इसको समझना पड़ेगा, मैं इसको ऐसे भी कैलकुलेट करता कि टोटल इंटरेस्ट जो उन्होंने अर्न करे दैट इज 12750, तो मैं यहां लिखता हूं 12750, अब इसमें टोटल इंटरेस्ट था वो, ठीक है, टर्म लोन पे, अब बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन क्लासिफाइड एज एनपीए, तो एनपीए पे अर्न बेसिस पे तो होता ही नहीं, तो 3655 माइनस करो उसमें से, फिर बोलता है इंटरेस्ट अर्न ऑन टर्म लोन क्लास इंटरेस्ट रिसीव, ये रिसीव रहता है तो रिसीव एड करो 1190, तो आप ये कैलकुलेट अगर करते हो तो ये आएगा आपका 12750 माइनस 3655 प्लस
फिर आगे आपसे टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन सीसी एंड टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन सीसी एंड ओवरड्राफ्ट दैट इज 28,315 माइनस इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट ट्रीटेड एज एनपीए। तो अब आपका इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, तो अर्न बट नॉट रिसीव, तो ये जो आपके दोनों का डिफरेंस था ना, ये बेसिकली इंटरेस्ट बट नॉट रिसीव ही था। तो इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, तो वैसे भी आप रिसीव बेसिस पे ही करते, तो इसको आप माइनस करेंगे 4615, सो 28315 माइनस 4615, तो 23,700, यहां पे 23,700। फिर आपसे कहता है ये होगी, इसके बाद ये कहता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, लोगों ने हमारे पास डिपॉजिट करे तो हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस वाले में जाएगा, इन ये एक्सपेंस वाले में, दिस इज 20,600। उसके बाद है आपका फिर कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, उसके लिए इनकम होता है कमीशन, ठीक है। तो यहां पे इसने अदर इनकम में बताया, ये अदर इनकम है। उसके बाद यहां पे देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी उसकी इनकम है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर यहां पे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी उसकी इनकम है, 1710 अदर इनकम 1710। फिर उसके बाद कहते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, याद रखना इनकम ना फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की इनकम उसकी, इसीलिए ना इंटरेस्ट अर्न वाले इसमें लिखते हैं इंस्टीट्यूट को हमेशा। तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इट इज, तो वो आपका 10,000 जो भी अमाउंट है 10,870 वो आपका उसने किसमें लिया, उसने यहां पर लिया इंटरेस्ट अर्न में लिए, ओके। उसके बाद है यहां पे पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज, तो आपने कितना पेमेंट करे, पेमेंट एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज 13,000 आपने, तो ये आपका हो गया अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पे देखा पेमेंट एंड प्रोविजन 13,725। उसके बाद रेंट टैक्सेस एंड लाइटिंग 1925। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 310। उसके बाद डायरेक्टर फीस अलाउंस एंड एक्सपेंसिस 1565। उसके बाद आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस 280, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 280, ओके। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन बैंक्स प्रॉपर्टी 495 एक्सपेंसेस। उसके बाद इंश्योरेंस 215। तो ये टोटल हो गए आपके अदर एक्सपेंसेस, तो ये अदर एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसने यहां पे लिख देगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फर्स्ट की टोटल है 44855 13 शेड्यूल 14 टोटल 12095, ये टोटल ये एक ही आइटम है आपका शेड्यूल 15 में ये। अब इसको समझने के प्रोविजन कैसे बना 5090 का, उसने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी अपने को, स्टैंडर्ड एसेट है इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड, जिसके एडवांसेस उसने इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड में बताया था आपको वो अलग अलग है 0.4 0.25 डिपेंड किसका है। तो यहाँ पे कहते इंक्लूडिंग एडवांसेस टू कमर्शियल रियल स्टेट सेक्टर 35 है, रुपीज इन थाउजेंड है, रुपीज इन थाउजेंड 3500, तो ये इसमें से 3500 जो है उस पर 1% लगेगा, और नॉर्मली कितना लगाना है आपको 0.4%। तो आप देखो यहां पे, तो यहां पर आपने 0.4 वो उस पर 3500 पे 1% लगाए और इस पर आपने लगा 0.4%, ओके ठीक है। अब उसके बाद यहां पर आके सब स्टैंडर्ड एसेट आपकी कितनी 9500, तो सब स्टैंडर्ड एसेट अगर फुल्ली सिक्योर्ड है, यहां पे फुल्ली सिक्योर्ड उस पर कितने परसेंट लगाना है अपने को 15%, ओके जस्ट वन मिनट। देखो तो यहां पर देखिएगा, यहां पे सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड है कितने परसेंट 15%। उसके बाद आप यहां पे देखेंगे डाउटफुल एसेट नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी, डाउटफुल एसेट विच इज नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी, देखो डाउटफुल विच इज नॉट अनसिक्योर्ड उस पर कितना लेना अपने को 100%, तो आप यहां पे देखोगे उस पर इसने ले लिया 100%। उसके बाद आपका नेक्स्ट इज डाउटफुल एसेट, डाउटफुल एसेट कवर्ड बाय सिक्योरिटी फॉर 1 ईयर, मतलब सिक्योर्ड है बट अप टू 1 ईयर, तो कितने परसेंट है 25%। उसके बाद आपका लॉस है उस पर होता है 100%, तो उस पर उसने ले लिया 100%। तो ये आ गया आपका प्रोविजन का अमाउंट टोटल 5090, तो आपने यहां पर लिखे 50, ये आ गया आपका वेर इट इज 5090 प्रोविजन, तो टोटल आपका यहां पर हो गया, तो आपने यहां पे ये अदर टोटल इनकम और ये एक्सपेंस उसमें से माइनस कर तो प्रॉफिट आ गया। आरटीपी का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी एग्जामिनेशन के 1.5 डे में, इसी तरह आपको रिवाइज करना, मेन मेन क्वेश्चन सबके एक एक फटाफट देखना, और मेनली यहां पर आपने इसको जरूर पीएनएल अकाउंट को ध्यान में रखना, इंस्टीट्यूट जनरली इस पे क्वेश्चन पूछती है। तो दिस ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज रिवीजन।